नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। उत्तर प्रदेश सरकार जैसे ही सत्ता में दोबारा वापस आई है, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूं, बीजेपी पहले भी सत्ता में थी 5 साल और अब फिर से वापस जब उत्तर प्रदेश में वो अपनी सरकार बनाकर काबिज हुई है, तब से ही लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस नीति को सबसे ज्यादा तवज्जो देते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं जो अपने जिलों में भ्रष्टाचार को काफी हवा दे रहे थे, जिनके खिलाफ शिकायतें आ रही थी, और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं। अधिकारियों से आने वाले 5 साल का खाका मांगना, पिछले 5 साल में क्या किया उसका लेखा जोखा मांगना, मंत्रियों को ये कहना कि आप हर 6 महीने पे हमें रिपोर्ट देंगे, 100 दिन के एजेंडे पर काम करना, 100 दिन में क्या करेंगे, 1000 दिन में क्या करेंगे, 6 महीने में क्या करेंगे, साल भर में क्या करेंगे, इस तरह की जो प्रमुख एजेंडे हैं सरकार की तरफ से, लगातार उन पर कोशिश करी जा रही है कि उन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए जिस व्यवस्था में उत्तर प्रदेश बेहतर हो सके, चाहे वो रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वो अन्य रास्तों से गुजरता हुआ उत्तम प्रदेश हो जिसमें कई सारी अड़चनें आ रही थी, उन सारी अड़चनों को हटाने की कोशिश उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कर रही है। उसी कड़ी में अभी 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कार्रवाइयां की और वो कार्रवाइयां लगातार चल रही हैं जिसमें भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों के ऊपर सरकार गाज गिरा रही है। इसमें सबसे पहले सोनभद्र के डीएम टी के शिबू का नाम सामने आता है। टी के शिबू खनन और निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार कर रहे थे, उनकी शिकायतें आई थी और उसके बाद सरकार ने उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। इसके बाद अगर हम बात करें गाजियाबाद के एसएसपी पवन कुमार की या फिर औरैया के डीएम सुनील वर्मा की, इन सबके ऊपर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ के आरोप लगे हैं और अपने जिले में सरकार की योजनाओं को बेहतर तरीके से ना लागू करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगे हैं। लगातार शिकायतें इनकी आ रही थी और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत इन अधिकारियों को निलंबित किया है। इसके साथ ही बीजेपी के एक नेता हैं रामशंकर कटेरिया, इनकी तरफ से एक शिकायत और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचाई गई है। इटावा के डीएम हैं श्रुति सिंह के खिलाफ रामशंकर सिंह कटेरिया ने शिकायत दर्ज की है कि ये भी अपने जिले में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रही हैं, काम में लापरवाही कर रही हैं। इस तरह के आरोप रामशंकर सिंह कटेरिया ने लगाए हैं श्रुति सिंह के ऊपर, जो कि डीएम है जिले की, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक उनकी शिकायतें पहुंचाई हैं। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द इनके ऊपर भी कार्रवाई करी जाएगी। ये वो बड़े नाम हैं जो बीते 5 साल से या उसके पहले से उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों में काम करते रहे, विभागों की जिम्मेदारियां इनके कंधों पर रही, जिलों की जिम्मेदारियां इनके कंधों पर रही, लेकिन सरकार जिस तरह से जीरो टॉलरेंस नीति के तहत काम करती आई है अपने बीते 5 साल में, उसी नीति के तहत इस बार भी काम कर रही थी और अब की बार ये भ्रष्टाचारी अधिकारी उनकी नकेल में आ गए हैं। 4 अधिकारियों के नाम सामने आ चुके हैं, 3 अधिकारियों को निलंबित किया जा चुका है और 1 अधिकारी का नाम अभी भी चल रहा है, उसके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। इसके अलावा गोरखपुर में मनीष जो व्यापारी कानपुर का था, जिसकी हत्या हुई थी, जिसमें कई सारे पुलिस वालों के नाम आए थे, उसमें प्रमुख आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलवाने की प्रक्रिया भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरे टर्म की सरकार ने किया है। ये बात हो गई सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की। और एक और अहम चीज है जिस पर लगातार चर्चा चल रही है उत्तर प्रदेश में, और वो ये है कि उत्तर प्रदेश सरकार 12 जिलों के नाम इस बार बदलने वाली। 6 जिलों के नाम के लिए प्रस्ताव जा चुका है और 6 जिलों के नाम के लिए प्रस्ताव जाना बाकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए या गोरखपुर के सांसद रहते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कई जगहों के नाम बदले थे, जिसमें उर्दू बाजार का नाम हिंदी बाजार करना, हुमायूंपुर का नाम हनुमान नगर करना, मीना बाजार का नाम माया बाजार करना,
या अली नगर का नाम आर्य नगर करना। ये प्रमुख वो नाम है या ये प्रमुख वो जगहें थी जो गोरखपुर की प्रमुख जगहों में शामिल थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब वहां पर सांसद थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस दौरान इन जगहों के नाम सीएम ने बदले थे। इसके अलावा बीते 5 साल के कार्यकाल में भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कई सारे प्रमुख जगहों के नाम बदले गए हैं, जिसमें मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम सबसे अहम है, जिसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया गया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया गया। ये प्रमुख वो नाम थे जिन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नजर पड़ी और उन्होंने इन जिलों के नाम बदल दिए, रेलवे स्टेशन के नाम बदल दिए। अब दूसरे कार्यकाल की बात करी जाए तो शुरुआत होते ही ये छह जिलों के नाम बदलने की जो प्रक्रिया है उसका जो प्रस्ताव है वो आया है, जिसमें सबसे अहम है अलीगढ़, फरुखाबाद, सुल्तानपुर, फिरोजाबाद, बदायूं, सुल्तानपुर। इन जिलों के नाम सरकार की तरफ से बदलने की प्रक्रिया जो है वो चल रही है, ऐसा हमें या फिर मीडिया में खबरें चल रही हैं, और इसका जो प्रस्ताव है वो भी भेजा जा चुका है। इसके अलावा 6 अन्य ऐसे जिले हैं जिनके नाम बदलने की प्रक्रिया का जो प्रस्ताव है वो तैयार किया जा रहा है, जिसमें मैनपुरी, संभल, देवबंद, गाजीपुर, कानपुर, आगरा, ये सब शामिल हैं। तो सवाल और जवाब ये है, सवाल पहला ये कि सरकार के सबसे प्रमुख प्रतिद्वंदियों का ये कहना रहा है कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी भ्रष्टाचार करते रहे हैं, कानून व्यवस्था दुरुस्त नहीं रही है, जिलों में बेहतर विकास नहीं हुआ है, और उसी का खामियाजा रहा है कि उत्तर प्रदेश में लोगों की जो अपेक्षाएं थी उन अपेक्षाओं पर सरकार खरी नहीं उतर पाई थी, विपक्षियों का कहना था, लेकिन बीजेपी ने रिपीट किया और एक बार फिर से उन भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर कार्रवाई की है जिन्होंने अपने जिलों में सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर के काम किया है, भ्रष्टाचार को बढ़ाया है। और दूसरा सवाल यह है, क्योंकि पहला तो जवाब हो गया विपक्षियों के लिए, और दूसरा सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश में या फिर किसी भी प्रदेश में सरकार जब जनता के मत से जीत करके आती है, सरकार बनाती है, तो सबसे पहले उसका काम रोटी कपड़ा मकान होना चाहिए जनता के लिए या फिर नाम बदलना होना चाहिए? यह अहम चीज है, इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। तो इन दोनों ही मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे मेहमान जो है वो जुड़ चुके हैं और हम उनसे आपको रूबरू कराते हैं, उन मेहमानों से आपको रूबरू करा करके इस चर्चा को शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे साथ संतोष सिंह जी, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसके अलावा मीसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आरिफ महमूद साहब हमारे साथ आरएलडी से जुड़े हुए हैं, और अभिषेक मिश्रा हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मीसम भाई, मैं आपके पास आना चाहूँगा, बहुत ही अहम मुद्दा है आज का, दो प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे अहम चीज़ ये कि जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार काम कर रही है, अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, अधिकारियों का निष्कासन किया जा रहा है, सस्पेंशन किया जा रहा है, और दूसरी चीज सरकार एक बार फिर से जिलों के नाम बदलने की प्रक्रिया में शुमार अपना नाम फिर से दर्ज करवा रही है। पहले 5 साल के जो कार्यकाल था उसमें कई जगहों के नाम बदले गए थे और एक बार फिर से ऐसा ही कुछ निकल कर सामने आ रहा है कि कुछ जिलों के नामों के प्रस्ताव भेजे गए हैं जिन्हें बदलने की प्रक्रिया चल रही है। आप इस फैसले से जो जीरो टॉलरेंस वाला है और ये जिलों वाला है, इन दोनों फैसलों को किस नजर से देखते हैं? समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पर? धन्यवाद नितिन जी। जो भी काम भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रहा है ये कोई नया नहीं है, पुराने ढंग पर चल रही सरकार है पिछले 5 साल की। फिर जब सरकार आई थी तो उसने भी इसी तरह से नीति चलाई थी राज्यों पर, और देखा होगा आपने कि उन्होंने ऑपरेशन चलाया था जिसका नाम था एंटी रोमियो, और जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के ऊपर भी इन्होंने बातें कही थी। ये सारी चीजें जो भी चलाई जा रही हैं, जो नाम बदलने की प्रक्रिया है, ये पिछले 5 साल में भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कहीं कहीं की गई थी, बाद में रोक दिया गया क्योंकि इनके शो अक्सर फ्लॉप हो जाते हैं। और रही बात जो भ्रष्टाचार की, जो अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं उसमें तो समाजवादी पार्टी शुरू से ही आवाज उठा रही है, और ये देर से आए हैं कि सरकार देर से जागी है और अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, मगर उस वक्त इन्हें ये कार्रवाई करना चाहिए था जब कोरोना में भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर था
और लोग ऑक्सीजन की किल्लत से और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था उसकी कालाबाजारी से और पीपीई किट के जो धांधली और जो भ्रष्टाचार हुआ था उस टाइम पर अगर ये सरकार जाग जाती और अपनी आंखें मूंद करके ना बैठी होती तो मुझे लगता था कई लोगों की जाने जाने से बचाई जा सकती थी। और समाजवादी पार्टी जब ये आवाज उठा रही थी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जब ये आवाज उठा रहे थे सदन में, लगातार ये बात कह रहे थे कि भ्रष्टाचार भारतीय जनता पार्टी में चरम सीमा पे है, उनके चहेते अफसर जो है वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही है। आखिरी में फिर वही हुआ कि सरकार ने देर से सवेर से उन्हीं कामों को किया जो समाजवादी पार्टी के द्वारा केंद्रीय दिशा निर्देशित कार्य किए करने के लिए इनसे भारतीय जनता पार्टी से अपील की गई थी। तब उस टाइम पर उन्होंने हमारी बात को नहीं माना और आज वो यही काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ में जो ऑपरेशन चला रहे हैं, ये इन्हीं के ही सरकार के जो अधिकारी हैं और इन्हीं के ही सरकार के इनके ही चहेते अफसरान हैं जिनके खिलाफ ये कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी बात ये, अच्छा वो चहेते इन्हीं के अधिकारी हैं जी, इन्हीं के ही अधिकारी हैं और हो सकता है कि नहीं बात बनी किया जा रहा है क्या? हाँ 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 वो तो है, जाहिर सी बात है कि बात ना बनने के ऊपर जो है वो इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। ये महज जनता को दिखाना मात्र एक इस तरह का इनका एक पब्लिसिटी स्टंट है, ये जनता की सहानुभूति को बटोरते हैं। पहले ये अपने द्वारा ढील दे करके अधिकारियों को मजबूर करते हैं कि वो भ्रष्टाचार करें और भ्रष्टाचार करने के लिए तैयार ना हो वो इस सरकार में आत्महत्याएं करें, क्योंकि देखा होगा आपने जिस तरह से आत्महत्याएं बढ़ी थी अधिकारियों की इस सरकार के अंदर और उसकी एक लिस्ट है, मैं कभी इस पर चर्चा करूंगा। तो ये सरकार के दबाव के वजह से कहीं ना कहीं ईमानदार अधिकारियों को अपनी जान देना पड़ी, क्योंकि सबॉर्डिनेट जो होते हैं अक्सर कुछ लोग वो अधिकारियों के दबाव में वो इस काम को नहीं करना चाहते हैं, पर जब उन पर दबाव पड़ता है तो वो भ्रष्टाचार के ऊपर मजबूर ना होकर के अपनी वो लीला समाप्त कर देते हैं और अपनी जाने देना कुर्बान करते हैं, मगर भ्रष्टाचार करना जरूरी नहीं समझते हैं। तो अगर यही भ्रष्टाचार पर एक्शन लेना था तो पिछले 5 साल में यही अधिकारी जो सोनभद्र के अंदर बैठे थे और खनन माफियाओं के साथ में लिप्त थे तो आखिर उस वक्त सरकार अपनी आंखें बंद करके मौन क्यों थी और क्यों खामोश बैठी हुई थी और बढ़ावा दे रही थी? ठीक है, ये सरकार को जवाब देना। ठीक है, मैं आता हूँ। आरिफ महमूद हमारे साथ अरेली से जुड़े हुए हैं। आरिफ भाई, पहले देखा जाता रहा है पिछली सरकारों में कि छोटे अधिकारियों के पर कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अभी की सरकार बड़े अधिकारियों पर ही सीधे कार्रवाई कर रही है जिसमें डीएम एसएसपी शामिल हैं। आप सरकार के इस फैसले को किस नज़र से देखते हैं? और कुछ जिलों के नाम वाम बदले जा रहे हैं ऐसा सुनने में आया है, क्या लगता है आपको, कितना सही फैसला है ये? देखिए नितिन भाई, सरकार ने अपने पिछले 5 साल के कार्यकाल में क्या किया आप सब जानते हैं, कोई चीज छुपी नहीं है सरकार की। चलिए ठीक है, दोबारा सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री जी काम अच्छा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा, इन्होंने अब जो दूसरे पंचवर्षीय जो कार्यकाल इन्होंने शुरू किया है अब वो थोड़ा सराहनीय है, और हम विपक्ष अगर ये अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष की सराहना भी करेंगे। आपके बयान कुछ बदल गए ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं नहीं सुनिए, बात मेरी पूरी होने दीजिए। अब ये जो जिले के नाम बदलने की बात कर रहे हैं, जिले के नाम बदलने से कौन सा विकास बढ़ जाएगा ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आदरणीय योगी जी या भारतीय जनता पार्टी जिलों के नाम बदलने से कोई बहुत और अच्छा होने वाला है तो उसको भी समझावे, विपक्ष को ये चीजें समझ में आएगी। अगर विपक्ष उसको समझ में आ जाती है तो विपक्ष उसकी भी सराहना करेगी, नहीं हम तो उसकी आलोचना करेंगे ही करेंगे। देखिए अब जो बात भ्रष्टाचार को दूर करने की है तो जिलों का नाम बदलने से बेहतर ये है कि ये भ्रष्टाचार पर सरकार को ज्यादा ध्यान देना चाहिए और पिछले 5 साल में जो इन्होंने जनता के लिए नहीं किए वादे किए उसको इनको पूरा करना चाहिए और मजबूती से आगे बढ़ करके पूरा करना चाहिए। अभी भी आउटपोस्ट तो उत्तर प्रदेश की पुलिस का चेहरा इन्हें बहुत अच्छा करना चाहिए। कोई भी फरियादी अपनी फरियाद लेकर के चला जाता है, एक दो बार तो बात इमरजेंसी होती है, उसके बाद भी पुलिस का दूसरा रूप शुरू हो जाता है। इन सब चीजों पर उन्हें ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो सीधे जनता और सरकार और पुलिस के बीच में ये बातें होती है कि जनता आज भी थानों में जाने से डरती है, जनता आज भी किस तरीके से पुलिस उत्पीड़न करती है, थोड़ा सा भी अगर कोई रसूखदार आदमी गया अपनी बात कही उसने, अब अंदर क्या आपस में बातचीत हुई, आप एक एप्लीकेशन दे दी है अभी मैं उसको ठीक कर देता हूँ,
ये सब चीजें बिल्कुल पारदर्शिता से होनी चाहिए, जनता के प्रति सरकार वचनबद्ध होना चाहिए। जिस तरीके से सरकार कह रही है कि हम जनता के लिए हैं, हम सरकार चलाने आए हैं, हम जनता के लिए काम करेंगे, तो अच्छा काम ये करेंगे, हम इनकी काम को सराहेंगे। मगर ये जिले का जो प्रस्ताव है ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इनको जनता को बताना चाहिए कि भाई नाम बदलने से ये फायदे हमें हो रहे हैं, तो भी जनता समझ ले। आप अंदर अंदर कुछ करेंगे, नाम बदलने की बात ऊपर ला देंगे, तो समझ ही में नहीं आ रहा है तो उसमें इंसान क्या करेगा भाई। ठीक है, आपकी सरकार आप बदल लीजिए। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास। संतोष सिंह हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं। संतोष जी, मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि लगातार चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके नेता कार्यकर्ता इस बात को कहते आए हैं कि उत्तर प्रदेश के अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बन के काम कर रहे हैं, चुनाव में भी और चुनाव के अलग जब सरकार काम कर रही थी उस दौरान भी। अब आप लोग उन्हीं अधिकारियों के ऊपर गाज गिराने में लगे हुए हैं, निलंबित कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं, तो क्या इसे समाजवादी पार्टी के उन सवालों का जवाब माना जाए? देखिए, हमारे समाजवादी साथी ने जो बातें कही हैं या समाजवादी पार्टी ने जो बातें कही हैं उनके भरोसा के तौर पर बैठे हैं, और आपने भी हमसे जो सवाल किया है जी। जीरो टॉलरेंस की बात जो महाराज जी ने कही थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कही थी 2017 से और 2022 तक, लोगों ने देखा है, उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और मुझे लगता है कि भाई साहब ने कहा कि उनके ही अधिकारी है, उनके ही चाहे थे। सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग एक संवैधानिक प्रक्रिया है और हर आदमी की कार्यशैली होती है, अपने अपने तरीके से लोग काम करते हैं। कोई सरकार के मनसा के अनुरूप काम करता है, कोई सरकार के हिसाब से काम करता है, और कोई जनता के लिए काम करता है। अगर कार्यशैली में कहीं ना कहीं हमको या हमारी सरकार को या मुख्यमंत्री जी को कहीं लगता है कि नहीं, हमारे सरकार के अनुरूप ये काम हो रहा है, हमारी सरकार जो चाहती है करना वो नहीं हो पा रहा है, तो स्वाभाविक है उनका ट्रांसफर पोस्टिंग होता है या निलंबित होते हैं या सस्पेंड होते हैं, ये प्रक्रिया है। ये आरोप लगाना मुझे ये समझ में नहीं आया, बड़ा ये विचित्र सवाल है कि उन्हीं के अधिकारी, उन्हीं के चहेते अधिकारी। अरे भाई, जिनको सरकार ने और जिन जो आईएएस पीसीएस हमारे उत्तर प्रदेश और देश में है, हम उन्हीं को लगाएंगे काम पे, उनमें से जो अच्छा होगा उनको उनके हिसाब से काम दिया जाएगा। नहीं, सपा कह रही है कि अभी भी उन्हीं अधिकारियों पे कार्रवाई करी जा रही है जो आपके खुद के अधिकारी हैं, और ये सिर्फ दिखाना दिखावा है एक तरह का। देखिए, हम बड़ा स्पष्ट कहना चाहेंगे, हमारे समाजवादी साथी सुन रहे हैं, मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और योगी जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस के मुद्दे को लेकर के कुछ योगी आदित्यनाथ ने पिछले 5 साल में जो काम किया है, उस काम को उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है, परखा है, समझा है, और पुनः भारतीय जनता पार्टी पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व को स्वीकार करके प्रचंड बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। दूसरी चीज मैं कहूंगा, कोरोना की बात आई कि कोरोना में ऑक्सीजन नहीं था, कोरोना में ये नहीं था, कोरोना में नहीं था, कि मैं कहूंगा समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी से कहूंगा कि वो ये बातें करते, उनके अंदर वो संवेदना कहाँ थी जब भारतवर्ष और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को वैक्सीन बना करके हम जब लगाने का प्रयास कर रहे थे, घर घर जा रहे थे, घर घर लोगों को दवाइयां पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लोगों को हम बता रहे थे कि आप वैक्सीन लगाओ, स्वदेशी है, हमारे हिंदुस्तान की बनी हुई वैक्सीन है, इसको लगाइए, इससे आप एक सुरक्षा कवच महसूस करेंगे। उस समय आपने भी देखा होगा चैनल के माध्यम से आदरणीय अखिलेश यादव जी का बयान भी आपने सुना होगा कि चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि यह वैक्सीन आप लोग मत लगवाइए, यह वैक्सीन मोदी जी की वैक्सीन, यह वैक्सीन बीजेपी के वैक्सीन है। अब बताइए, आप बताइए सर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और पूछिएगा समाजवादी भाई से, जो इतने संवेदनशील है कि अगर फर्स्ट डोज और दूसरी डोज किन कैसे कैसे किस किस तरीके से हम लोगों ने घर घर जाके लगवाने का प्रयास किया, अगर ये तीसरी लहर में अगर ये वैक्सीन नहीं लगे होते तो कितनी लाशें होती कोई गिन नहीं पाता। ऐसे लोग जो रात के अंधेरे में जाके वैक्सीन लगवा करके चले आए और आम जनता को बोलते हैं कि वैक्सीन मत लगवाना, ये मोदी की वैक्सीन है, ये योगी की वैक्सीन है, ये भाजपा की वैक्सीन है, ऐसे लोगों कोरोना काल के ऊपर सवाल उठाते, मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को जवाब देना उचित नहीं है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, कुछ योगी आदित्यनाथ ने 5 साल में और 2 साल जो वैश्विक महामारी पूरी दुनिया लड़ रही थी, और उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, लेकिन इन लोगों को पूछिए, अपने दिल पे हाथ रख के करे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न दिन देखा न रात देखा, एक पैर पे खड़ा होकर के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ वाली आबादी के जनता को, प्रत्येक एक एक व्यक्ति को, चाहे वो दवा हो, चाहे वो राशन हो,
चाहे किसी भी क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को एहसास नहीं होने दिया कि इतनी बड़ी वैश्विक महामारी से हमारा देश और प्रदेश लड़ रहा है। मैं कहूंगा कि ये झूठी झूठी झूठे आरोप लगाना, शासन प्रशासन के ऊपर प्रश्न उठाना, हम ब्यूरोक्रेट में यकीन रखते हैं, हम डीएमएसपी में, हम शासन प्रशासन में यकीन रखते हैं, और कुछ योगी आदित्यनाथ स्वयं, आपने अभी देखा होगा हाल ही में गोरखपुर में जो घटना हुई है उसको भी आपने देखा होगा, इसके पहले चाहे वो सोनभद्र के डीएम गए हो, चाहे इटावा के ऊपर कोई प्रश्न आ रहा हो, चाहे तमाम ऐसे अधिकारियों के जिनका आप भी नाम ले रहे हैं प्रश्न आ रहा हो, मैं सीधे सीधे ये बात कहूंगा कि आरोप प्रत्यारोप लगाने से बढ़िया है कि आइए मिलजुल करके उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का जो हम लोग संकल्प लेकर के चल रहे हैं, आइए सहयोग करिए और सहयोगी बनकर के काम करिए, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की क्षमता पर उत्तर प्रदेश की जनता को पूरा। ठीक है संतोष जी, ठीक है। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए विश्लेषक के रूप में। अभिषेक जी, आप इन दोनों फैसलों को किस नजर से देखते हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक तरफ इस बात को कह रही है कि ये जो अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो रही है ये सिर्फ महज एक दिखावा, अधिकारियों को पहले बढ़ावा दिया जाता है, प्रेशर दिया जाता है, उसके बाद इस तरह की चीजें निकलकर सामने आती हैं और फिर सरकार जीरो टॉलरेंस नीति की बात करके कार्रवाई करती है, समाजवादी पार्टी कह रही है। दूसरी चीज जो जिलों के नाम बदले जा रहे हैं, ये काफी आजकल मामला गर्म है कि एक बार फिर से सरकार नाम बदलने की प्रक्रिया में शामिल हो चुकी है, क्या कहना है इस पर, क्या पक्ष है आपका? देखिए, जहाँ तक बात आपके पहले सवाल की है कि भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो ये तो प्रशंसा का कार्य है, प्रशंसनीय कार्य है, बिल्कुल कार्रवाई करनी चाहिए हर भ्रष्टाचार भ्रष्टाचारी अधिकारी के ऊपर, या जो भी व्यक्ति है समाज में जो भी सार्वजनिक कार्य में है, जनता से जुड़ा है, वहाँ भ्रष्टाचार को तो कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। और अगर इस ओर अग्रसर होकर सरकार काम कर रही है तो सराहनीय कदम है, इसकी तारीफ की जानी चाहिए और मैं तारीफ करता हूँ। लेकिन सवाल दूसरा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का सवाल एक और है ना, वो कह रहे हैं कि अधिकारी जो ये सब जो हो रहा है अधिकारी उन्हीं के हैं और कोशिश पहले कराई जाती है, प्रेशर करवाया जाता है, दबाव बनाया जाता है, इस तरह की चीजें हों और उसके बाद फिर इस तरह की कार्रवाइयां करी जाती है। वो एक राजनीतिक पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो अपने तरीके से बात कहें, उनका अपना तरीका है कहने का, वो कह सकते हैं जो चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन मेरा मैं दूसरी तरह से बात करने जाता हूँ। जो बात वो कह रहे हो कोई नई बात नहीं, वो जिसकी भी सरकार होती है, हर सरकार में होता है, सरकार किसी की भी रही हो, किसी पार्टी की रही हो, हर पार्टी में ब्यूरोक्रेट्स दो चार चहेते होते हैं, और इसीलिए जैसे ही शासन सत्ता बदलती है अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग शुरू हो जाती है। अगर अधिकारी बायस नहीं होता है, या अधिकारी किसी नेता, किसी मुख्यमंत्री, किसी मंत्री का चहेता नहीं होता, तो ट्रांसफर पोस्टिंग का काम सरकार बदलते ही नहीं होता। हर अधिकारी, हर मंत्री, हर विधायक तुरंत अपने जिलों में अपने पसंदीदा अधिकारी का ट्रांसफर करवाता है, अपने हिसाब से डीएम बनवाता है, अपने हिसाब से एसपी बनवाता है, इसीलिए बनवाता है क्योंकि वो अपने हिसाब से अपनी चला सके। तो ये कहना कि इनके पसंदीदा है उनके पसंदीदा, हर गवर्नमेंट में होता है, अपने पसंदीदा अधिकारियों को बचाया जाता है, विपक्षियों को किया जाता है, वो अलग विषय है। मैं दूसरी बात पर आना चाहता हूँ, जो सरकार की नीति है भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की, उसको जमीन पर हकीकत उतारने में अभी 5 साल जो बीता पिछला, मैंने समझा उस पर कोई अभी फर्क पड़ा। अच्छा। आगे क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है ये यहां से नहीं शुरू होता है, वो यहां से शुरू होता है और चैनल बाय चैनल करके वो यहां तक पहुंचता है। ये जो डीएम के खिलाफ आप कार्रवाई करते हैं, कमिश्नर के आप कार्रवाई करते हैं, अच्छी चीज है, क्योंकि ये जब टाइट होंगे तो जमीन के लोग टाइट होंगे, मगर जनता को असर तब दिखाई पड़ेगा जब तहसील का लेखपाल घूस लेना बंद कर देगा, जब थाने का दरोगा घूस लेना बंद कर देगा, जब बीट का सिपाही घूस लेना बंद कर देगा, तब आप जनता को दिखाई पड़ेगा, जब डीवाईएस बीएससी वहां के छोटे छोटे बाबू, उन ऑफिसर्स के जो बाबू हैं, चपरासी हैं, वो जिस दिन घूस लेना बंद कर देंगे, जिस दिन एलडीए के बाबू लोग विदेशों में जाकर खरीदारी करना बंद कर देंगे, उस दिन जनता को यह लगेगा कि हाँ भ्रष्टाचार पर सरकार ने जीरो टॉलरेंस का कार्य किया है। तो ये कहां पे फेल्योर हो रहा है, क्यों नहीं इस? ये वही ज्यादा बात ये है कि आप कार्रवाई करना अच्छी बात है, लेकिन देखने की जरूरत ये है कि कहीं ये कार्रवाई पसंदीदा लोगों को छोड़ करके बायस तरीके से केवल उन लोगों के खिलाफ जिन लोगों से आप नाराज थे, कहीं ऐसा तो नहीं है कार्रवाई सिर्फ इसलिए हो रही है कि इलेक्शन में आपके मंत्री लोग कुछ नाराज हो गए थे अधिकारियों के ऊपर, कहीं इसलिए तो नहीं हो गए कि बाबा जी ने फोन किया था इलेक्शन में और अधिकारी ने उस बात को माना नहीं, कहीं इसलिए तो नहीं किया गया है कि कुछ लोग जो इलेक्शन के टाइम पर ब्यूरोक्रेट्स में जो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स थी उस पॉलिटिक्स के तहत कुछ पॉलिटिक्स हुई वो आपको जानकारी में थी, आप उसका बदला दिया जा रहा है। और अगर ये सही है तो बिल्कुल होना चाहिए, मगर ये उस स्तर तक चालू रहना चाहिए कि जब जमीन पर हकीकत, जब निचला फोर्थ क्लास, थर्ड क्लास तबका, जब लेखपाल, बाबू, क्लर्क, जब ये काम से जनता से घूस लेना बंद कर देंगे, क्योंकि डीएम डायरेक्ट घूस लेने नहीं जाता है, कोई मंत्री विधायक डायरेक्ट किसी से घूस लेना नहीं जाता है, घूस निचले स्तर से शुरू होता है, ऑफिस का क्लर्क, छोटे छोटे अधिकारी, जैसे कोतवाली का कोतवाल हुआ,
दरोगा हुआ, लेखपाल हुआ, तहसीलदार हुआ, नायब तहसीलदार हुआ, ये लेते हैं और ये कलेक्शन इकट्ठा होकर के स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप जाता रहता है, जिले के डीएम और एसपी तक पहुंचता है, उसके बाद फिर ऊपर कमिश्नर डीआईजी पर आता है, फिर स्टेट लेवल के अधिकारियों के पास पहुंचता है और फिर कंसर्निंग विभाग के मिनिस्टर से जाता है। कौन कहां लेता है, हर आदमी बेईमान नहीं होता, मैं हर किसी को एक जैसा नहीं कहता, लेकिन जो तरीका है घूस का वो ये है। तो इसको जब लगाम लगाने की जरूरत है, तो जब तक निचले स्तर का घूस का स्तर बंद नहीं होगा, जब लेखपाल ये कहना बंद कर देगा कि नहीं साहब पैसा लेकर मैं रिपोर्ट नहीं लगा पाऊंगा, अब सरकार बहुत दूसरी तरीके की है, तब ये जीरो टॉलरेंस की नीति जनता तक पहुंच पाएगी, तब आपका मकसद पूरा होगा। ठीक है, दूसरी बात जो आपने कही जिलों के नाम बदलने की, तो जिलों के नाम बदलने का क्या उचित है, ये तो खैर सरकार अपनी ओर से जाने, हो सकता है उसकी अपनी जो एक उसकी मतलब उसका जो एजेंडा है या जिस मुद्दे पर वो जनता के बीच में वोट मांगने गई और वोट लेकर के आई, हिंदुत्व का जो चेहरा लेकर के आई, शायद उस विचारधारा को और आगे बढ़ाने के पर्पस से ये कार्य किया जा रहा है। लेकिन ठीक है, आप अपनी विचारधारा है, आपका अपना है और उसका समर्थन आपको मिला है, जनता ने आपको समर्थन दिया है, तो आप कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा जरूरी मुद्दे भी सरकार के पास हैं, अभी इससे ज्यादा जरूरी मुद्दे हैं। महंगाई एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये मार्च अप्रैल का महीना चल रहा है, स्कूलों में जिस तरह से फीसें बढ़ाई गई हैं, जिस तरह से किताबों कापियों के लिए स्कूल वाले कंपल करते हैं गार्जियंस को कि जाके फलाने दुकान से लेकर के आइए, 2017 में जिस तरह योगी जी मुख्यमंत्री बने थे, मुद्दा दिया था कि हम स्कूलों की फीस ना बढ़ने के लिए एक्ट लेकर आएंगे, उस पर कोई इंप्लीमेंटेशन अभी तक नहीं दिखाई पड़ा जमीनी हकीकत पर, कहीं किसी पेरेंट्स को नहीं। कोरोना काल में जिस तरह से स्कूलों ने लूट मचाई, उसके बाद अभी 2 साल भी कोरोना बीते नहीं हुआ। अब की तो एक फैसला आया है सरकार की तरफ से, कहा जा रहा है कि विधायक जो भी हैं या जो मंत्री हैं वो बेसिक शिक्षा विभाग के जो स्कूल हैं उन्हें गोद लेंगे ताकि व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा सके। पिछली बार ग्राम पंचायतों को गोद ले रहे थे, इससे सुधर गई क्या? वो दूसरा मुद्दा है कि प्राइमरी स्तर में क्या होगा। अभी तो मुद्दा ये है कि 90% गार्जियन आज की तारीख में अपने बच्चों को, जो थोड़े एक रिक्शा वाला भी अगर है तो वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है। तो सवाल ये है कि प्राइवेट स्कूल में जिस तरह से लूट मचाई जा रही है, क्या ये जिलों के नाम बदलने ज्यादा जरूरी मुद्दा नहीं है सरकार के लिए? क्योंकि 90% लोग आज के तारीख में अफेक्टेड हैं इससे, खासतौर से मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा, और ये वो मुद्दा है जो इमीडिएट जरूरत है एक्शन की, क्योंकि 2 महीने बाद इसकी जरूरत नहीं रह जाएगी। जो फीस एक बार फिक्स हो गई वो साल साल चलेगी, जो स्कूल की कॉपी किताब खरीद ली गई वो सालों साल चलेगी, तो ये कंपल्सन इधर जरूरी था, मेरे ख्याल से ये ज्यादा जरूरी था। इसके अलावा बढ़ती महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इससे ज्यादा जरूरी मुद्दे आपके पास है जिसको ज्यादा जरूरत थी देखने की, आप वो मुद्दा भी करिएगा, आगे पीछे भी कर सकते थे, लेकिन ये ज्यादा मुद्दे थे। बिजली का बिल जिस तरह से पड़ रहा है, आपने घोषणा की थी कि हम बिजली का बिल कम करेंगे इलेक्शन के समय में, लेकिन अभी तक तो कुछ दिखाई नहीं पड़ा, तो उन घोषणाओं पर ज्यादा ध्यान आपको देना चाहिए जो इमीडिएट जनता से डायरेक्ट कंसर्न रखते हो। जिलों के नाम बदलने से कोई प्रभाव जिलों के विकास पर या व्यक्ति के विकास पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, इतिहास थोड़ा सा आप अपना पलट देंगे, उससे थोड़ा सा एक सेंटिमेंटल इमोशनल प्ले कार्ड आपका चल जाएगा, लेकिन उससे एक वित्तीय जोखिम, वित्तीय फर्क भी, दबाव भी पड़ेगा प्रदेश के ऊपर। जिलों का नाम बदलेंगे, हर जगह फिर बोर्ड बदलेगा, हर जगह के रिकॉर्ड्स में नाम चेंज होंगे, तो वो भी एक वित्तीय बोझ ही देगा आपको, करोड़ों अरबों रुपए का लॉस में गवर्नमेंट जाएगी, उस पर एक्सपेंसेस आएगा। संतोष जी कह रहे हैं, अभी जब उनसे सवाल पूछा गया अधिकारियों को लेकर के, तो आपके जवाब पे बड़ा नाराज हो गए, वो कह रहे हैं कि अपने अधिकारी हमारे अधिकारी क्या होता है, कोरोना के समय पे हमने घर घर जाकर के लोगों को टीका लगवाया है, और समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि टीका मत लगवाइएगा, वो बीजेपी का टीका है, कई और चीजों को लेकर के भी उन्होंने इस बात को बोला है, क्या जवाब है आपका? सबसे पहले तो मैं जो आपके विशेषज्ञ हैं संतोष अभिषेक मित्रा जी, ब्राह्मण होने के नाते मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि इतना सच बोलने का उनमें साहस था कि उन्होंने बड़ी सच्चाइयों से बातों को रखा, जो मैं कहना चाहता था या जो जनता की आवाज थी वो बंद करके उन्होंने स्टूडियो में ये बात आपके सामने, आपके द्वारा जनता तक पहुँचाई कि वाकई ये बात है कि इमोशनल कार्ड खेल करके किसी का पेट नहीं भरने वाला है और किसी भी गरीब की मदद नहीं होने वाली है। और रही बात जो बात कर रहे हैं हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथी कि अखिलेश यादव जी ने वैक्सीन के लिए कहा था, देखिए ऐसा है कि उस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी को इन्हें याद होना चाहिए कि जुमलों के अलावा कोई वर्ड याद ही नहीं रहता था, हर बात को वो जुमला, हर बात को वो मजाक में, हर बात को जनता के सेंटीमेंट से खेल रहे थे, कहीं 15-15 लाख रुपए बांट रहे थे, कहीं विदेश से पैसा लेकर के आ रहे थे, कहीं तो वो जनता को 2-3 करोड़ 10 करोड़ नौकरी और कहीं कोरोना के टाइम पर 3 लाख करोड़ रुपया बांट रहे थे। इस तरह के जो लुभावने वादे भारतीय जनता पार्टी करके और उसको मुकर के और उसको जुमला कह रही थी, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जनता को अवगत और सचेत कराया था कि देखिए भारतीय जनता पार्टी के कहे हुए किसी भी बात को
बेचने और परखने से पहले उसको आप खुद स्वयं उसको जो है वो क्या कहते हैं देख लीजिए और परख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। क्योंकि ये सरकार सिवाय लुभावने वादे के और सिवाय जुमलेबाजी के कोई काम नहीं कर रही है। क्योंकि जिस तरह से जनता को हवाई जहाज पर चप्पल बैठकर पहना कर बिठाने का वादा था, जिस तरह से नौकरियां देने का वादा था, और महिलाओं की बात करिए तो जिस तरह से महिलाओं के कपड़े फाड़े जा रहे थे, जिस तरह से दलित बेटी के साथ प्रशासन का जो व्यवहार था इनके, कि रात में कहीं उसकी लाश जलाई दी जा रही है, कहीं की हरण हो रहा है, तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सचेत कराया था। और फिर वही पर वही जज का तस रह गई है राजनीति। लेकिन मिसम भाई सेकंड टर्म में कहीं ना कहीं सरकार ज्यादा चुस्त दुरुस्त दिखाई दे रही है। वो 100 दिन का एक एजेंडा बनाया गया है, कहा गया कि 100 दिन में 10,000 रोजगार दे दिया जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ाया जाएगा, नेताओं से कहा गया है फिजूल खर्ची मत करो, कहीं जाओगे बाहर तो छुट्टी लेकर के जाना, और ये भी कहा गया है कि 6-6 महीना पे 3-3 महीना पर अपना लेखा जोखा बताओ, अधिकारियों को कहा गया लेखा जोखा बताओ। एक और नया फैसला आया है कि बेसिक शिक्षा विभाग के जो स्कूल हैं उन्हें विधायक मंत्री गोद लेंगे। तो ये फैसले सरकार की तरफ से लिए तो जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको आप जिस तरह से कह रहे हैं कि जुमलेबाजी हुई थी। नितिन जी बिल्कुल इस बात का स्वागत है, मगर ये आप ये देखिए कि ये जमीन पर कहीं उतरते हुए तो दिखे, ये हवा हवाई बातें। इससे पहले भी गांव गोद लिए गए थे, इससे पहले भी बुलेट ट्रेन चलाई गई थी, इससे पहले भी स्मार्ट सिटीज बनाए गए थे। क्या कोई स्मार्ट सिटीज का नाम याद है इनको? इससे पहले भी गड्ढे मुक्त कराए गए थे। मैं सब कह रहा हूँ, मैं प्रदेश का दुश्मन, हमारी पार्टी या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश और देश के दुश्मन नहीं है कि अगर कोई काम अच्छा होगा तो हम उसको बिगाड़ने का प्रयास करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अब की 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी अपने विवेक से, अपनी ऊर्जा से, अपनी कोई दृष्टि पटल से, अपने सोचे हुए सुझावकार से कोई ये कार्य भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश वासियों के लिए करके दिखाए तो हम उसका स्वागत करेंगे। कि जितनी चीजें भी आप नितिन जी बता रहे हैं, आप उसको बताइए कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो याद हो तो ये सब तो वही बातें हैं जो पिछले 5 सालों में कही गई थी और फिर वही 5 सालों में कही जा रही है। अब की थोड़ा सा लहजा बदल दिया गया है, अब की उन्होंने इतना कह दिया है कि गाँव की जगह स्कूल गोद ले लिए जाए। तो पिछली बार भी तो गांव गोद लिए गए थे, स्मार्ट सिटीज बनाई गई थी, और आपने देखा था कि इलेक्शन के टाइम पर जापान का और टोक्यो का और कनाडा का कहां कहां का उन्होंने फोटो लगा करके गांव के लोगों को, जो बेचारे सीधे साधे लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको आपने छलने का काम किया। और फिर उसके बाद आपने आकर के घूम फिर करके जो अभी बात कही हमारे अभिषेक मिश्रा जी ने, बहुत अच्छी बात कही कि ये भी एक जांच का विषय है कि जिन अधिकारियों को आप हटा रहे हैं, जिनको आप दंडित कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं था कि इलेक्शन के टाइम पर उन्होंने आपकी मनमानी बात को करने से मना कर दिया? तो हो सकता हो कि देखिए आपके पास पावर है, आपके पास डबल इंजन की सरकार, वो आप लगातार कहते आते हैं कि आपके पास डबल इंजन की सरकार है, आप राज कर रहे हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आपको जनता ने चुनकर रखा है। मगर हाँ, सेंटीमेंट से पेट नहीं भरा जाता है। और रही बात जो अभी आपने बताऊं मैं आपको, जो अभी आपने जीतने के बाद कहा था कि होली पर सिलेंडर मिलेगा, नितिन जी क्या आपके घर वो सिलेंडर आया हो? तो इस बार तो नहीं मिला। बारे में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वो सिलेंडर आपके साथ ही आरिफ भाई को शायद मिला होगा। नहीं नहीं, हमें तो देखिए, हम भाई कह रहे हैं ना, आरिफ भाई को देखिए फिर वही बात आ जाएगी। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ आप ही के पास आ रहा हूँ। हाँ, जाति विशेष से है तो हमें और आरिफ भाई से पूछने से पहले हम नितिन जी से अपने पूछ लें, हम अपने संतोष जी से पूछ लें कि भाई सिलेंडर मिल गया कि नहीं मिल गया, होली का रवाना हो गया। अब अगली होली को देने का वादा था, हो सकता हो कि स्टेज पर खड़े होकर के माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री जी खड़े होकर कह दें कि भाई साहब दूसरा हाथ तो लगाया ही नहीं था, वो अगली होली को देने की बात थी, आप इस होली को लिए चले आए। तो नितिन जी इनकी बात पर हंसी आती है, और ये जो कर रहे हैं अब इनको करने दीजिए, अब ये नाम बदल रहे हैं, अब इनको करने दीजिए, अब इनको जनता ने चुन लिया, बस बैठ के देखे रहिए। क्योंकि ज्यादा बोलने पर देशद्रोही की जो ये तमगा बांट देंगे, ये इससे बड़ा डर है कि हमें भूखा रख लें। मगर देश का हमको जो है वो क्या कहते हैं, किसी नकारात्मक ऊर्जा से ना जोड़ने का प्रयास करें, देशद्रोही से हमको तमगा नवाजने का काम ना करें। ठीक है ठीक है ठीक है। आरिफ भाई क्या कह रहे थे आप? तो सिलेंडर की बात हो रही थी कि होली में बटने वाला था, मिला है क्या? मेरी बात पूरी सुन लीजिए। हाँ। अभी जैसे मैंने आपसे ही सुना जी। अभी ये कहा गया कि ये मंत्रियों को रोक दिया गया, फजूल खर्ची रोक दी गई, बगैर पूछे खैर छोड़ करके ना जाए। हाँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से, मगर मेरा सवाल पूरा हो जाए तब उनसे कहिएगा जवाब दें। पूरा सुनने के बाद जवाब देंगे वो। आप ये बताइए
ये किस फिजूल खर्ची की बात कर रहे हैं? 12 जिलों के नाम बदलने की बात आप कर रहे हैं, 12 जिलों में नाम बदलने पर फिजूल खर्ची बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? नहीं, मंत्रियों के फिजूल खर्ची की बात ये हो रही थी कि वो जो अपना घर और एकदम चमकाने लग जाते थे, गाड़ी घोड़ा खरीद लेते थे, उसके लिए बात कही गई है। नहीं, नहीं तो क्या वही खर्चा निकाल करके ये जिलों के नाम बदलने में सारा पैसा लगा देंगे क्या? अब ये तो संतोष जी बताएंगे भाई, कितनी चीजों बदलनी पड़ेगी, कितने खर्च उसमें आएंगे, ये भी तो आप जानिए। और दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ कि जिलों के नाम बदलने से पहले सबसे प्राथमिकता तो इनको ये रहनी चाहिए थी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि पहले वो अरहर के दाल का दाम बदल दे, पहले वो सिलेंडर के दाम का दाम बदल दे, पहले वो सरसों के तेल का दाम बदल दे। ये महंगाई के सारे दाम क्यों नहीं बदल दे रहे हैं ये इनको सबसे पहले। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई भाइयों को सबको ये लेकर के चलेंगे, किस बात का सबका साथ सबका विकास? जब आप मुस्लिमों से जुड़ा हुआ नाम शहर का बदलेंगे तो अधिकारी भी बाइस होकर के काम करने लगते हैं, मुसलमानों को कोई तवज्जो नहीं दी जाती काम करने के लिए। तो ये सबका साथ सबका विकास का नाम तो एकदम ये ढोंग रच रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। इन्हें तो वही मुस्लिम विरोधी नीतियां चलानी है, इसी पर इनको सरकार चलानी है जिस पर ये 2024 की भी सरकार बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब इनको इनसे भारतीय जनता पार्टी से मेरा ये कहना है कि ये भ्रष्टाचार को दूर करें, सारी भ्रष्टाचार की जड़ें आप 5 साल में देखिए, पिछली सरकार में कितने माइनस में सरकार चल रही थी, वित्तीय घाटा कितना है यहाँ पर आप ये देखिए, इस पर इनका ध्यान कहीं नहीं जा रहा है। इनका सिर्फ वही हिंदू मुसलमान, फिर 5 साल का वक्त आ गया इनको करने के लिए। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के साथी से पूछना चाह रहा हूँ कि मित्र आप सब कुछ कर दीजिए, आप चलिए नाम बदल लीजिए, सारे मुस्लिम शहरों का नाम बदल लीजिए, मगर आप इन गरीबों की थाली में जो आप खाना दे रहे हैं इतना महंगा, इसको भी आप बदल दीजिए, थोड़ा सा अरहर का भी दाम बदल दीजिए, सरसों के तेल का भी दाम आप बदल दीजिए, सिलेंडर का भी आप दाम बदल दीजिए, सारी चीजों के आप महंगाई के दाम बदल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी आपकी सराहना करेगी, आप चाहे उत्तर प्रदेश के सब जिलों के नाम बदल दीजिए, विपक्ष इसको सुनने के लिए तैयार है, मगर ये गरीबों की थाली से जो आप छीन रहे हैं इस पर विपक्ष एतराज करेगा। और आपके हर मुद्दों को, नौजवानों को नौकरियां दे दीजिए आप, हर मुद्दों पर हम आपके खिलाफ सड़कों पर खड़े होकर के लड़ते चले आएंगे जब तक आप इस पर सुधार नहीं लाएंगे। ठीक है संतोष जी, आपने सुन लिया, अब जवाब क्या? सुन लिया। और मैं मुद्दे सारे देखिए, हमारे आरएलडी के जो साथी हैं, समाजवादी के साथी, और अभी इससे पहले मिश्रा जी ने बहुत सारी बातें बोली हैं, मैं एक एक करके सबका जवाब दूंगा। सबसे पहले तो अभी हमारे आरिफ भाई बोल रहे थे आरिफ भाई को आवाज नहीं मिल रही है, मेहमानों की कृपया देखा जाए क्या दिक्कत है। जी हेलो जी, आ रही आवाज आ रही है? हाँ बोलिए संतोष। हाँ मैं ये कह रहा था, आरिफ भाई हमारे अभी बोल रहे थे कितने मुसलमानों की नौकरी मिल गई, कितने हिंदू मुसलमानों के नाम पे बीजेपी ने राजनीति करी, वोट करी, आज तक बहुत सारी बातें कही। मैं दो बातें शुरू करूंगा और मैं बिल्कुल इसको किसी भी राजनीतिक मुद्दे से जोड़ना नहीं चाहूंगा, और उनको चाहूंगा कि अगर उनके अंदर संवेदना हो और मानवीय संवेदना हो तो जरूर मेरे बात का जवाब दे। अभी कुछ ही दिन पहले आपके चैनल ने, पूरे भारतवर्ष के न्यूज चैनल ने एक घटना दिखाई थी कुशीनगर, जहां का मैं रहने वाला हूं, एक बाबर मुसलमान का बेटा था और वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। मैं इसलिए ये बात नहीं उठा रहा हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। अभी जब इन्होंने हिंदू और मुसलमान का नाम रखा तब मैं ये मैटर ला रहा। मुझे ईमानदारी से बताइए और दिल पे हाथ रख के बताइए कि जिन मुद्दों को लेकर के, जिन मुसलमानों को लेकर के, जिन मुस्लिम राजनीति मुसलमानों के नाम पर राजनीतिक रुचि कर करके जिन मुसलमानों का ये लोग वोट लेते हैं, जिन मुसलमानों को अपना, जिन मुसलमानों को कहते हैं हम उनके रहनुमा है, हम उनके हमदर्द, चाहे वो समाजवादी पार्टी रही हो चाहे उनके सहयोगी दल रहे हो, एक भी किसी नेता ने बाबर की हत्या पे आकर के किसी ने भी एक संवेदना व्यक्त किया है क्या? अगर किसी चैनल पे किया हो तो बताइए, मैं जो कहिएगा वो मानने के लिए तैयार। किसी ने दिया क्या? क्यों? क्योंकि इनके मन में हिंदू और मुसलमान चलता है। जो मुसलमान भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान कौन है? जो बसपा को वोट करेगा। मुसलमान कौन है? जो सपा को वोट करेगा। मुसलमान कौन है? जो आरएलडी को वोट करेगा। मुसलमान कौन है? कांग्रेस को वोट करेगा। इन लोगों के अंदर सिर्फ और सिर्फ जाति और मत मजहब के नाम पर, भाई हम अगर हिंदू हैं, हम अपने सनातन धर्म और सनातन परंपरा की बात करते हैं तो हम किसके धर्म का उपहास उड़ाया? हम तो सार्वजनिक जगहों पे कहते हैं, हमारे नेता कहते हैं, एक अच्छा ईसाई हो, एक अच्छा पारसी हो, एक अच्छा जैन हो, एक अच्छा हिंदू हो और एक अच्छा मुसलमान हो। हमने किसी का धर्म का उपहास नहीं उड़ाया। रही बात, इन्होंने कहा कि जिलों का नाम बदले, भाई क्या तकलीफ है आपको जिले का नाम बदलना?
हमारे भारतवर्ष की पहचान जो मुगल शासकों ने विलुप्त कर दिया था, उन्होंने जो काम किया है, अगर उस इतिहास में जाकर के हम देखते हैं, अगर उसको सुधारने की हम सुधारने का प्रयास करते हैं तो उसमें क्या गुना है भाई। और 2017 से लेकर 22 तक योगी आदित्यनाथ को सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। दो साल वैश्विक महामारी से प्रदेश और पूरा देश पूरी दुनिया लड़ा। तीन साल मिले महाराज जी को काम करने में, एक्सप्रेस हाईवे नहीं बना, काशी कॉरिडोर नहीं बना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं बना, गोरखपुर का फर्टिलाइजर नहीं चला, एम्स की स्थापना नहीं हुई, मेडिकल कॉलेज नहीं बने, किसान सम्मान निधि किसकी बंद हो गई, उस हमने किसी का मत मजहब जाति धर्म पूछ करके हम लोगों ने कोई काम ही नहीं किया। हमने ऋण माफ किया तो किसी का जात धर्म पूछ करके माफ नहीं किया। हमने गैस सिलेंडर दिया, किसी का जात धर्म पूछ करके नहीं दिया। हम किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, किसी का जाति धर्म नहीं पूछ रहे हैं। आयुष्मान कार्ड बना, किसी का जात धर्म नहीं पूछ के दे रहे। ऐसी सैकड़ों योजनाएं हैं जहां हमने जाति धर्म नहीं उन लोगों को दिया जिन लोगों को जरूरत थी। आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहिए। मैं मानता हूं मुद्दा है महंगाई का, मैं मानता हूं मुद्दा है बेरोजगारी का, लेकिन क्या यह मुद्दा पिछले 2017 से लेकर के 2022 क्या यह मुद्दा 5 साल का मुद्दा है? क्या 5 साल की पहले की सरकारों में यह मुद्दा नहीं था? क्या 5 साल के पहले की सरकारों में महंगाई मुद्दा नहीं था? आज जहां पूरी दुनिया वैश्विक महामारी से लड़ रही है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, क्या कह रहे हैं हरी भाई, क्या कह रहे हैं? एक मिनट संतोष जी एक मिनट, हाँ हरी भाई क्या कह रहे हैं? मैं अपने साथी संतोष भाई से ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, कोई हिंदू मुसलमान हम लोग नहीं कर रहे हैं। आप मुगल की बात कर रहे हैं, मैं इनसे मुगली साम्राज्य की बात करना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान के अंदर मुगलों की जो इमारत है, मुगलों की जो धरोहर है, हम सब लोगों ने उसको अपने आंखों से लगा करके रखा है। अकबर बादशाह की बीवी जोधा बाई का लड़का जहांगीर का लड़का शाहजहां का लड़का औरंगजेब। आप ये बताइए जोधा बाई कौन थी? मान सिंह की बुआ थी। तो ये इनकी ये सारी चीजें इनकी, अरे सर इस पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ मैं। क्या अरे भाई हमको भी जवाब आता है जोधा बाई के बारे में बोलने में, अकबर और औरंगजेब पे बोलने में, मैं भी बहुत अच्छा बोल दूंगा और बहुत अच्छी कहानियां सुनाऊंगा। मानिए इस चीज को, हर मुद्दे को हिंदू और मुसलमान, हर मुद्दे को हिंदू और मुसलमान। हमारा नारा है सबका साथ सबका विकास, तो देश के प्रधानमंत्री ने 130 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन बनवाई है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ अपने साथी से कि भाई हम लोग हिंदू मुसलमान कहाँ लेकर के चल रहे हैं? हम कहाँ कह रहे हैं कि आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? हम तो सिर्फ आपसे ये कह रहे हैं कि भाई आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो हमने उस पर ये बात कही है। हमारे लिए तो कभी हम लोग तो हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं, हम तो भाई भाई आपस में सारे लोग हैं, हम लोग कहाँ ये सब बातें उछालते हैं, कोई बातें करते हैं। कितने मुसलमानों को आवास मिला कभी जानने का प्रयास किया? 45 लाख आवास में नितिन भाई हमारे साथियों की आवाज नहीं आ रही है मेरे पास कि मैं क्या बोल पाऊँ। जी ठीक है अरे भाई ठीक है, संतोष जी अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्या कह रहे हैं? मैं बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ, आप मुद्दे पे बात करिए हमसे, आप आइए मुद्दे पे चर्चा करिए, बिल्कुल तैयार है। हम चाहते हैं महंगाई पे चर्चा, हम चाहते हैं बेरोजगारी पे चर्चा, लेकिन मैं अपने साथियों से विनम्र निवेदन करूंगा, आरएलडी के हैं, समाजवादी के साथियों, मिश्रा जी बैठे, मैं कहता हूं कि मुद्दे बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, लेकिन क्या यह मुद्दा 2017 से लेकर 2022 के बीच का मुद्दा है? क्या यह 2014 से लेकर के 2019 का मुद्दा है? क्या यह इसके पहले बेरोजगारी मुद्दा नहीं था? क्या इसके पहले महंगाई में देश को क्या क्या मिला है? मोदी जी के नेतृत्व में देश को क्या क्या उपलब्धियां मिली हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। और देखिए एक बात मैं बताऊं, इन लोगों को कहने से, इन लोगों की नीतियों से कुछ होने वाला नहीं है। जनता जानती है, जनता समझदार है, जनता को सब चीजें दिखता है, जनता बहुत ही होशियार है, जनता को सब मालूम है कि मोदी जी क्या है और योगी जी क्या है, और मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में जनता ने विश्वास जताया है, और यही कारण है कि प्रचंड बहुमत से केंद्र में भी सरकार बनी 2019 में और 2014 में और 2017 और 2022 में योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी। आप चर्चा करिए, मैं चर्चा से भाग नहीं रहा हूँ, आप आइए महंगाई पे चर्चा करिए। और मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात बोली, बिल्कुल सही बात संतोष जी अरे भाई महंगाई को लेकर बड़ा परेशान है, वो कह रहे हैं महंगाई कब काबू कर रहे हैं यही बता दीजिए आप लोग। बिल्कुल
मारी भाई से कहूंगा चिंता मत करो, आप बिल्कुल चिंता मत करो, जैसे एक हफ्ते दिन में बिजली आती थी और एक हफ्ते रात में बिजली आती थी, अब 18 घंटा गांव में 20 घंटा और 24 घंटा शहरों में बिजली दे रहे हैं। अब बिजली की स्थिति जब सुधार दिया है तो महंगाई और मुद्दा नहीं रह जाएगा, महंगाई की भी स्थिति कंट्रोल हो जाएगी, चिंता मत करिए। और महंगाई से आया हुआ पैसा भी सही जगह आप ही के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए खर्च किया जाएगा, चिंता न करें। ठीक है, मैं समझ गया। कितना, एक हफ्ता बता रहे हैं? नहीं, वो बता रहे, पहले हफ्ते में बिजली नहीं आती थी, हफ्ते हफ्ते बिजली आने लग गई है, तो महंगाई भी जल्दी खत्म हो जाएगी। और जो कह रहे हैं कि महंगाई से जो एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है, उस वो भी आपके ही विकास के लिए लगाया जा रहा है। ये कैसी कहानी है, आप बताइए, इधर से भी कान पकड़ो, सब कुछ इनका और पूरे जनता के टैक्स के पैसे कुछ कर रहे हैं और आप बता रहे हैं कि ये सरकारें हम लोगों को हमारे साथी जा रहे हैं। ठीक है, प्लीज वन बाय वन। हाँ, मिसम जैदी क्या कह रहे हैं, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। यही कह रहा हूँ कि अब जो ये कह रहे हैं वो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि साहब उत्तर प्रदेश के हीरो हैं ये। अब ये जो चाहे करें इनके ऊपर तो सब कुछ, वो कह रहे हैं महंगाई अगर है तो वो पैसे का भी तो इंतजाम जो हो, मतलब जो पैसा आ रहा है महंगाई की वजह से, उसमें वो भी आपके विकास में लग रहा है। हाँ, वो तो सही बात है कि ये जो दो मुट्ठी गेहूं दो मुट्ठी चना दे रहे हैं, आपको भी जरूरत है, आपको भी गाड़ी के आगे की क्या जरूरत है, पड़ोस के वही सस्ते गन्ने की दुकान पे मोदी जी के नाम पर आपको एक मुट्ठी चना के नाम पर मिल जाएगा, आराम करना अलग आइए मत रहिए। और क्या यहाँ आकर जो है वो पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक बैठ रहे हैं, सब सरकार तो रही है, नौकरियां दे तो रही है, क्या पैसा धीरे धीरे। प्लीज वन बाय वन संतोष जी, प्लीज आ ही रहा है तो अब क्या करना, संतोष जी भी मौज से है, मजे में है, बढ़िया एसी की हवा, पैसे घर में खा रहे हैं, बिजली का बिल वादा किया था आधा करने का, अभी तक पता नहीं कि बिजली का बिल आधा हुआ कि नहीं हुआ, हमें लगता है संतोष जी का हो गया है, धनाधन एसी चल रहा है, एसी कमरे में बैठे बढ़िया मौज कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों की उनके नेताओं की बल्ले बल्ले है भैया, बाकी लोगों को संघर्ष करके कैसे कैसे करके अपने परिवार को पालना है। और मजे की बात यह है कि एक बात और कहेंगे संतोष जी को बुरी लग जाए, ये परिवारवाद के खिलाफ है, क्योंकि इनका मामला कहने का मतलब है हम जिएंगे परिवार खत्म कर देंगे, तो हम लोगों की मजबूरी है हम लोगों को परिवार लेकर के चलना है, और इनको परिवार को खत्म कर देना, ये परिवारवाद के खिलाफ लोग है, इनको परिवार को जिंदगी नहीं रहने देना है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी चीज है जो जी कर रहे हैं, ये बहुत उम्दा कर रहे हैं। ठीक बस ये एक नितिन जी मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि अब की बार कोशिश करें कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ जितना कर पाए उतना ही कहें, उससे ज्यादा ना कहें, क्योंकि जब आदमी सपने देखने लगता है तो बड़ा बुरा हो जाता है। क्योंकि मैं आपको कहूँ कि बढ़िया, अभी नितिन जी आपको बहुत उम्दा मैं रसमलाई खिलाऊंगा और रसमलाई की जगह आपको जो है वो क्या कहते हैं छेना भी ना मिले तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आप कहेंगे कि यार बताने कहना नहीं चाहिए था, तो जितना कर सकते भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ उतना ही जुमला फेंके, अच्छी बात जनता की सेंटिमेंट के मत। ठीक है, ठीक है, अभिषेक मिश्रा जी, लास्ट कमेंट आपसे जानना चाहूँगा, सबके बयान आपने सुने, कई चीज़ों पर चर्चा हुई, क्योंकि अधिकारियों के जो सस्पेंशन हो रहे हैं उस पर भी चर्चा हुई है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश की जो समस्याएं हैं उन पर भी चर्चा हुई है, कई सारे मुद्दों पर चर्चा हो चुकी है, कोविड को लेकर के भी बोला गया, संतोष सिंह जी ने बोला कि कोविड के दौरान हमारे अधिकारियों ने, हमारी सरकार ने घर घर जाकर के लोगों को वैक्सीनेशन दिया है, और उस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता कहते थे कि वैक्सीन ही मत लगवाइए क्योंकि वो बीजेपी की है, तो इस तरह के मुद्दे जो राजनीतिक दल उठा रहा है वो जाहिर सी बात है हमारे हर काम के विरोध में ही सवाल खड़े करेगा, आप कितना सहमत है? देखिए, अखिलेश यादव जी के इस बयान जो वैक्सीनेशन के ऊपर उन्होंने कहा था कि ये भाजपा की वैक्सीन है, वो बयान किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं है। किस सेट ऑफ माइंड से उन्होंने ये बात कही ये वो ही जान सकते हैं, या मिसम जैदी जी उसको जस्टिफाई करें जैसे भी उनको करना है, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से इस बयान को का पसदर नहीं हूं जो उन्होंने बयान दिया है। वो वैक्सीन सरकार की वैक्सीन है, सरकार कोई भी हो, किसी भी पार्टी की हो, कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, वो कोई भी सरकार जनता के साथ राजनीति करने नहीं जाती कि उसके स्वास्थ्य के साथ जानबूझ के राजनीति करे। अब चूंकि एक नई बीमारी थी, एक नया एक्सपेरिमेंट था, डॉक्टरों का एक नया वो था, सरकार की मजबूरी अपने डॉक्टरों पर विश्वास करना जो उन्होंने लगाया, और पूरे विश्व पर एक्सपेरिमेंट चल रहा है, हमारे देश भी हुआ और उसका वैक्सीनेशन हुआ। सवाल देखिए, जनता कोरोना के वैक्सीनेशन से नाराज नहीं थी, सवाल यह था कि जब जनता को आपके अस्पताल की जरूरत थी, जब जनता को ऑक्सीजन की जरूरत थी, जब जनता को रेमडेसिविर की जरूरत थी, तो जो आप भ्रष्टाचार मुक्त समाज की बात करते थे, जो आप कहते थे कालाबाजारी नहीं होने देंगे, वो चीज जमीन से गायब हो गई। रेमडेसिविर 100-100 लाख रुपए का बिकने लगा, ऑक्सीजन 1.5-1.5 लाख 2-2 लाख रुपए के बिकने लगे, आपके ने रणनीति ऐसी बना दी कि लोगों को एंट्री नहीं मिलती थी, लोग पैसा लिए प्राइवेट अस्पताल के बाहर खड़े हैं, मगर प्राइवेट अस्पताल आपको अपने यहां हॉस्पिटलाइज नहीं कर रहा है क्योंकि सीएमओ ऑफिस से फोन नहीं जा रहा है। तो इन मुद्दों पर जरूर जनता की नाराजगी आपसे थी,
लेकिन जहां तक बात उनके बयान की है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये गलत है, ये सही है, तो ये गलत बात है। ये केंद्र सरकार की योजना है, सरकार कोई होती वो कांग्रेस की होती, समाजवादी पार्टी की होती, भाजपा की होती, महामारी आई थी तो सरकार अपने स्तर से जो ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो सकता था वो करती है, उसने भी किया, इस सरकार ने भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, अव्यवस्था को रोकने में ये सरकार असफल रही, मैं इस चीज को मानता हूं, और इस बात की नाराजगी थी कि कुछ जो निर्णय शासन स्तर से लिए गए, खासतौर से तीमारदारों या जो बीमार लोग आएंगे उनकी भर्ती के लिए, उनकी दवाइयों, जैसे आपने कह दिया कि ज्यादा से पहले आपने कहा कि ज्यादा से ज्यादा होम आइसोलेशन में रहिए, फिर आपने कह दिया कि ऑक्सीजन केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जो दवाई पर्चा लेकर के डॉक्टर कहाँ आएंगे। अब जो होम आइसोलेशन में पर्चा कहाँ पाएगा, और वहाँ उसको अब उसको सिलेंडर नहीं मिला अस्पताल में, ऐसी बहुत सारी चीजें थी। शमशान घाटों पर जो अव्यवस्था हुई, आप लकड़ी की व्यवस्था नहीं करा पाए, जब वो मीडिया में उठा तो आपने शमशान घाट को घिरवा दिया, वो सारे प्रश्न हैं जो नाराजगी के विषय थे। वो मैं अखिलेश यादव जी के बयान की तरफदारी बिल्कुल नहीं करता। दूसरी बात जो आई, जो जिस पर आज बात हुई है, जो अभी बीजेपी के प्रवक्ता जी कह रहे थे कि ये महंगाई और भ्रष्टाचार और बेरोजगारी क्या पहले मुद्दा नहीं था, बिल्कुल मुद्दा था साहब, पहले भी मुद्दा था, और जब पहले मुद्दा था तो आप जब विपक्ष में थे तो आप भी इसको मुद्दा बनाते थे, जनता बीच में जाते थे, आप ही की स्मृति ईरानी जी जाके केंद्र सरकार में चूड़ियां भेजती थी प्रधानमंत्री जी को, सिलेंडर ले जाके महंगाई के मुद्दे पर सिलेंडर के रेट को, नरेंद्र मोदी जी 2014 में भाषण देते थे कि जब सरकार निकम्मी होती है तब महंगाई बढ़ती है, बैलगाड़ी से आप जाते थे, आप विपक्ष में थे, आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, आज वो विपक्ष में है वो भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल फर्क किसको पड़ रहा है, तो कुछ नहीं मिल रहा, जनता को पड़ रहा है ना। आपकी बात जब जमीन पर स्तर पर आवे, आप डीएम को तलब कर दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, फांसी लगा दीजिए, बुलडोजर लगा मकान गिरा दीजिए, जनता को फर्क नहीं है। जनता को फर्क तब पड़ेगा जब वो लेखपाल साहब के पास जाए और कहे साहब हमारा नाम खतौनी में दर्ज कराना है, और लेखपाल उसके नाम बिना एक पैसा उससे मांगे, बिना उसको 20 बार दौड़ाए और उसका नाम दर्ज कर दे, इस डर से कि अगर 3 दिन के अंदर इनका नाम दर्ज नहीं हुआ तो मेरी नौकरी चली जाएगी, तब जनता लगेगी कि हाँ सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। जनता को उसका फायदा तब दिखाई पड़ेगा जब वो डीओएस ऑफिस में जाए, जब वो स्कूलों में जाए, जब स्कूल के प्रबंधक लाए तो वहां पैसा उसको न देना पड़े, घूस न देना पड़े। जिस दिन आपकी ये क्षमता दिखाई पड़ जाएगी, जिस दिन थाने पर जाने पर थानेदार उसे 5,000, 20,000, 50,000 रुपया घूस नहीं मांगेगा, उस दिन वो ये बात चरितार्थ होगी कि हाँ ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगाम लगाने में सफल रही। संतोष जी कुछ कह रहे हैं, संतोष जी क्या कह रहे हैं? जी दो तीन चीजें बोले हैं कि अव्यवस्थाएं थी, कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी थी, मैं ये नहीं कहता हूँ कमी नहीं हुई, कमी हुई कुछ जगहों पे और कुछ स्टेट पे जहाँ हमारी सरकारी नहीं थी वहाँ, ये पॉलिटिकल चीज से बिल्कुल जोड़ने वाली बात नहीं, मैं हमारी सरकार इसलिए नहीं हुआ। मैं एक चीज मैं बोलूंगा कि अगर अव्यवस्था थी, हेलो बोलिए आवाज आ रही है जी, अगर अव्यवस्था थी, मैं ये नहीं कहूंगा कि कहीं हुआ नहीं होगा या नहीं हुआ है, अव्यवस्था थी, सरकार ने 100% जो बीमारी थी, जो जिस प्रकार की बीमारी थी उस बीमारी को, और अचानक ये देखिए कोई महामारी आती है तो किसी को बता के नहीं आती, मैं ये बात सबको समझनी चाहिए, लेकिन उस परिस्थिति में भी और उस व्यवस्था में भी उत्तर प्रदेश हो या और भी प्रदेश हो और चाहे केंद्र की सरकार ने भी जो काम किया है उस पूरी दुनिया ने देखा है, पूरी दुनिया ने उसको सराहा है कि उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में भारत ने जिस तरह से इस महामारी का सामना किया है पूरी दुनिया ने सराहा है। मुझे नहीं लगता कि मैं जबरदस्ती इस बात को कहलवाने का प्रयास करूं, आप ही के चैनल मीडिया के लोगों ने दिखाया है कि पूरी दुनिया ने सराहा है। हाँ, अगर कहीं त्रुटियां हुई हैं, कहीं गलतियां हुई हैं, तो मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं, हो सकता है कि किसी कारणवश किसी चीजों से कोई कमी बस हो गया होगा, और स्वाभाविक तौर पर यह हमारे पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है। देखिए वो बड़ा स्पष्टता से अपनी बात कर रहे हैं कि विपक्ष है, हम भी विपक्ष में थे तो महंगाई को मुद्दा बना करके, लेकिन परिस्थितियां बदलती है मिश्रा जी, हम आप हमसे श्रेष्ठ है, बड़े हैं, लेकिन जरूर कहूंगा कि आप बड़े भाई हैं, आप बड़े भाई हैं मेरे। आपसे एक निवेदन करूंगा कि परिस्थितियां बदलती हैं, देश समय बदलता है, तो निश्चित तौर पे आज 2 साल पहले कुछ और परिस्थिति रही होगी, 5 साल बाद कुछ और परिस्थितियां रहेंगी, 10 साल बाद कुछ और परिस्थितियां बदलती हैं, समय बदलता है, तो स्वाभाविक है कि व्यवस्था भी बदलती है। या मैं नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने आया और अलादीन का छड़ी घुमाया और सारी चीजें सही होगी, नहीं बिल्कुल नहीं। 2014 से लेकर के 2019 तक, 2014 में सरकार चुनी गई, 19 में सरकार चुनी गई, 22 में चुनी गई उत्तर प्रदेश की सरकार, और 17 में चुनी गई, इस दौरान हमने बहुत सारे प्रयास किए। देखिए 2 साल हमने ऐसे गंवा दिए, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप हो गई, ना कोई ट्रांसपोर्टिंग था, ना कोई एजेंडा था, ना फैक्ट्री था, ना लेबर थे, बहुत सारी
बहुत सारी घटनाएं आई और बहुत सारे कष्ट हमने देखे अपने आंखों से देखे, वो किसी से छुपा नहीं है, ना मीडिया की नजर से छुपा है ना हम लोगों की नजर से भी। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए देश और प्रदेश की स्थिति बदलती जा रही है और बहुत सारे आधुनिक चीजें, बहुत सारे आधुनिकरण शिक्षा के क्षेत्र में मिश्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही। प्राइवेट स्कूलों पे मैं भी मांग करता हूँ, हमने भी प्रयास किया है और सरकार से और अपने जनप्रतिनिधियों से कहा कि अब सरकार तक ये बातें पहुंचाएं और हम लोग भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि स्कूलों की प्राइवेट स्कूलों की मनमानी बच्चा पढ़ता हो। अच्छा संतोष जी, एक बात मेरी भी सुन ले, संतोष जी मैं आपके माध्यम से सरकार को पहुंचाना चाहता हूं, अगर आप शिक्षा को वास्तव में सही करना चाहते हैं तो फिलहाल एक काम कर दीजिए कि प्राइमरी स्कूल से लेकर के और प्राइवेट सेक्टर के सारे स्कूल, अगर यूपी बोर्ड है तो यूपी बोर्ड में सारे पब्लिशर की एक ही किताब चलेगी, ये नहीं कि एक स्कूल में दूसरे प्रकाशन है एक स्कूल में दूसरा प्रकाशन है। सीबीएसई बोर्ड है तो सीबीएसई बोर्ड का सिर्फ एक ही प्रकाशन किताब चलेगी, सारे स्कूलों में एक ही चलेगी। आप जिस दिन यह कर देंगे, क्योंकि होता क्या है आपके प्राइमरी स्कूल का बच्चा क्लास 3 से अंग्रेजी पढ़ना शुरू करता है और प्राइवेट स्कूल और कॉन्वेंट स्कूल का बच्चा जब केजी में पढ़ता है तो अंग्रेजी में बात करना शुरू कर देता है, उसके बाद जब कंपटीशन में आके बैठते हैं तो वो दोनों बच्चों के लिए बराबर सिलेबस मिलता है। ये सबसे बड़ी विषमता है जो प्राइमरी स्कूल में लोग अपने टीचरों अपने बच्चों को भेजना नहीं चाहते। दूसरी चीज, पांच क्लास अगर आप प्राइमरी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक की क्लासेस चलाते हैं तो 5 क्लास के लिए कम से कम 5 कमरा, 5 टीचर, 1 क्लर्क, 1 चपरासी, 1 प्रिंसिपल, जब इतनी व्यवस्था आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे, वरना आप मिड डे खिलाते रहिए, खूब दाना बांटते रहिए, आप ड्रेस बांटते रहिए, आप छात्रवृत्ति बांटते रहिए, पैसा अरबों खरबों आप खर्च करते रहिए, मगर शिक्षा के स्तर में सुधार नहीं होगा। अगर आप सुधार करना चाहते हैं तो कम से कम 5 टीचर रेगुलर, ये शिक्षा मित्र और अनुदेशक और इससे काम नहीं चलेगा, रेगुलर टीचर और उनकी उनका प्रमोशन उनके कार्य क्षमता पर तय होना चाहिए कि रिजल्ट पर कैसा आया उस पर आपका एग्रीमेंट होगा, तब आप शिक्षा में परिवर्तन कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल मिश्रा जी, और मुझे थोड़ा जल्दी संतोष जी, थोड़ा जल्दी शिक्षा को लेकर के जो भी आपने बात कहा है, अगर एक प्रदेश के एक देश का अगर भविष्य संवारना है और सही करना है तो उसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है, चाहे मेरे परिवार के बच्चे का हो, चाहे आम परिवार के बच्चे का हो, या किसी के परिवार के बच्चे का हो। और मुझे लगता है कि इस दिशा में, इस क्षेत्र में सरकार बहुत ही मजबूती से काम कर रही है और उसका नतीजा भी आपने देखा होगा कि जो प्राइमरी स्कूल पहले के थे अब में और पहले में बहुत अंतर चुका है। अब यकीन मानिए मेरे पास समय का, मैं फिर किसी और दिन इस पर चर्चा कर लूंगा, चिंता मत करें, भगवा कलम ठीक है, प्लीज 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 प्लीज, आप सभी मेहमानों ने ठीक है फिर किसी दिन चर्चा कर लेंगे हम लोग स्कूलों पर और शिक्षा पर। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस डिबेट में जुड़ने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में सरकार की तरफ से बहुत अहम फैसले लिए जा रहे हैं, 6 जिलों के नाम बदलने की जो प्रस्ताव है वो सरकार के पास भेज दिया जा चुका है और 6 जिलों का नाम बदलने का जो प्रस्ताव है उसे लगभग तैयार किया जा रहा है। और उसके अलावा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पहले भी सरकार की थी, अभी भी है, लगातार सरकार की तरफ से और मुख्यमंत्री की तरफ से कोशिश है कि जिले के जो अधिकारी हैं वो सही तरीके से जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जनता तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाए बिना भ्रष्टाचार के, और अगर भ्रष्टाचार करेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। फिलहाल ये मैसेज तो बहुत अच्छा है लेकिन कितना कारगर होगा ये देखना अहम है। आज के डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।